नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार सबको, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यह हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज हमने पहनी साड़ी और इस साड़ी के साथ हम करने वाले हैं एक वीडियो जो है हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो। तो इसमें हम बताएंगे आपको हैंकी टक करना कि हैंकी को कैसे टक किया जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारा हैंकी और इसको हम बताएंगे आपको ऐसे टक करना, कैसे टक किया जाता है साड़ी में, हम हैंकी को कैसे टक कर सकते हैं, हम आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे हम हैंगी को टक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए गाइस, ये है हमारे पास हैंकी, ये बॉर्डर वाला हैंकी है। हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि बॉर्डर वाला हैंकी यूज़ करना, तो ये हमने लिया है हैंकी ये। तो इसको हम कैसे टक करेंगे आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो ये देखिए, ये हैंकी है, इसको ऐसे ऐसे भी टक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसको ऐसे भी टक कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए गाइस, अब करते हैं दूसरा तरीका कि हम रुमाल हैंकी को कैसे टक कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो ये देखिए, ये हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। चुप हो जाओ बाबू, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और ये है सेकंड, अब है थर्ड, तीसरा है ये हैंकी है, इसको ऐसे करके इसको, ये देखिए, इसको ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करके इसको हम ऐसे, और देखिए यहाँ ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, ऐसे लगा सकते हैं। तो है अब फोर्थ तरीका। तो अब एक तरीका और है, ये हैंकी है, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करिए। ये देखिए, और इसको यहाँ पे ऐसे टक कर दीजिए। ये देखिए, ये डिजाइन का डिजाइन और हैंकी हमारा टक हो चुका है। तो गाइस, और एक तरीका है, आप इसको ऐसे फोल्ड करके, छोटा लगाना है अगर तो इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके, गाइस इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है हमने और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा छोटा करना है, ये जैसे लंबा है, लॉन्ग है, तो उसको ये शॉर्ट करके, ये ऐसे करके इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, तो ये हमारे तरीके हैं। और कुछ तरीके हैं, अगर हमें रुमाल को हाइड करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि रुमाल हमारा दिखे,
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको करिए फोल्ड, इसको करिए ऐसे फोल्ड और इसको बना लीजिए स्मॉल साइज में, ये बन गया। और इसको यहाँ पे लेके यहाँ टक कर दीजिए, देखिए ये हो गया, ये हमारा ये लग गया, ये तो हमारा दिखेगा नहीं। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं हाइड करके, कि आप हाइड करके हैंगी दिखे नहीं, इसको ऐसे करके ये ऐसे फोल्ड करके इसको स्मॉल साइज में, आप इसको अगर यहाँ यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं ताकि ये दिखे ना। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे भी टक, ये देखिए कर लिया है हमने यहाँ पे, और ये देखिए हाइड हो गया है। तो ये देखिए अब ये दिखेगा नहीं, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। और इसको आप छोटे से छोटा भी बना सकते हैं, ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे थोड़ा, ऐसे साड़ी की प्लेटें ली जाती है, ये देखिए और स्मॉल हो गया। और इसको ऐसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखा गाइस आपने, देखिए गाइस ऐसे हम कैसे भी टक कर सकते हैं हैंकी को। तो ये हमारा रिक्वेस्टेड वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हमने आपको तरीके बताए कि किस किस तरीके से हम साड़ी में हैंगी को टक कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियो और ला सके, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो चलिए गाइस हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी वीडियो मेरे पास रिक्वेस्टेड आती हैं जितना मेरे से पूरा होगा मैं पूरी करूँगी। तो चलिए गाइस अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बाय बाय। अरे कहाँ जा रही है हमारे बाबू, तो ये देखो हमारा बेटू, ये हमारा बाबू है, इतनी देर से शैतानी कर रहा है, और ये हाय करेगा सबको, हाय करो, बाय बाय करो सबको, बाय बोलो, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, बोलो हम अगली वीडियो में मिलेंगे बाबू, बाय बाय गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, प्यारी प्यारी ब्लॉग में, बाय बाय।